गई तैयारी, अब है प्रोटियाज की बारी। पहले पाकिस्तान को धोया, फिर नीदरलैंड्स को बेरहमी से पीटा, अब अफ्रीका पर करेंगे जोरदार अटैक। विराट है कि मानते नहीं, जी हाँ एकदम सही सुना आपने, भारतीय टीम के बल्लेबाज विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में शानदार लय में दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जारी इस मेगा इवेंट के दोनों मैचों में विराट कोहली ने अर्धशतक जड़ा था। और अब उनकी नजरें तीसरी बड़ी पारी खेलने पर टिकी हुई हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि पर्थ में उनके आंकड़े बोल रहे हैं। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में विराट कोहली शतक जड़ चुके हैं। ऐसे में विराट के लिए मैदान रन बनाने में दिक्कत पैदा नहीं करेगा। विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में खेलना काफी पसंद है। उन्होंने 55 मैचों में 3274 रन बनाए हैं। विराट को ऑस्ट्रेलिया में 56.44 का औसत है, जहां वो 11 शतक और 17 अर्धशतक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बना चुके हैं। इतना ही नहीं, पर्थ के इस नए स्टेडियम जिसका नाम ऑप्टस है, यहां भी विराट साल 2018 में शतकीय पारी खेल चुके हैं। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेलकर कोहली अब T20 वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल को पछाड़ दिया था। विराट कोहली अब T20 वर्ल्ड कप में 989 रन बना चुके हैं। उन्होंने 23 मैचों की 21 पारियों में इतने रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 89.90 और स्ट्राइक रेट 132.04 रहा है। अपनी इन 21 पारियों में विराट 12 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में श्रीलंका के महिला जयवर्धने सबसे ऊपर हैं, जिनके नाम 1016 रन दर्ज हैं। विराट सिर्फ 27 रन दूर हैं इस रिकॉर्ड से। अगर वे आज पर्थ के मैदान पर ऐसा कर लेते हैं तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। कमाल की बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली आउट नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विराट नाबाद रहे थे और आखिर तक क्रीज पर डटे रहे, तो वहीं नीदरलैंड के खिलाफ भी विराट 20 ओवर का खेल खत्म होने के बाद ही पवेलियन लौटे थे। इस वर्ल्ड कप के दो मैचों में विराट के नाम 144 रन दर्ज हो गए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 148.45 का रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में होने वाले इस मुकाबले पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि विराट जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कहीं वो शतक ना जड़ दें। पर्थ में टीम इंडिया पहली बार T20 मैच खेलने उतरेगी, लेकिन इस मैच से पहले अफ्रीकी टीम में खलबली मची हुई है। मैच से पहले अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम ने विराट कोहली को चेतावनी देते हुए बड़ी बात भी डाली है। भारत के स्टार बल्लेबाज और दक्षिण अफ्रीका के पेस अटैक के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रोटियाज गेंदबाज विराट कोहली के सामने गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। कोहली को भी फॉर्म हासिल हो गई है और हमारे गेंदबाजों को भी उनके खिलाफ गेंदबाजी करना अच्छा लगता है। दक्षिण अफ्रीकी टीम विराट के बारे में कुछ भी बोलती रहे, क्योंकि अब विराट रुकने का नाम नहीं लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में विराट बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। उनका बल्ला अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस टूर्नामेंट में विराट सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन सकते हैं और कोहली के दम पर टीम इंडिया वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर सकती है।